हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि चाहे दुनिया का सबसे मशहूर सुपर हीरो स्पाइडरमैन क्यों ना हो, लेकिन जब मोस्ट स्पिन ऑफ सीरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात आई, तब इस ओहदे को जापान के अल्ट्रामैन अपने नाम कर गए थे। जी हाँ, लेकिन इससे पहले मैं अल्ट्रामैन की अल्ट्रा शक्तियों से आपका परिचय करवाऊँ। एक बात बताओ, जब इंडिया के पहले सुपर हीरो की बात आती है तो क्या आप भी गोविंदा के इस रूप को याद करते हो, या फिर आपके जहन में भी कृष या रावण का ख्याल आता है? वेल, आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा 0/100, क्योंकि कृष और रावण के पहले आया था ऐसा रक्षक जिसका क्रेज लोगों के बीच में इतना ज्यादा है कि वो टीवी स्क्रीन से बड़े पर्दे पर कमबैक करने जा रहा है। पर इनकी आइडेंटिटी पर से नकाब हटाने से पहले इस नकाब वाली सुपर हीरो से मिलो, जो कोई सुपर ह्यूमन शक्ति या मैजिक से नहीं, बल्कि साधारण से किताब और पेंस की मदद से अपने दुश्मनों का विनाश करती हैं। कौन, कहां, कैसे वाले सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा आज के वीडियो में, टाइटल सुपर हीरोज फ्रॉम अदर कंट्रीज। वैसे हम जब भी सुपर हीरोज का नाम सुनते हैं तब हमारे जहन में बस अमेरिका का ही नाम आता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, द केस इजंट क्वाइट लाइक दैट, क्योंकि सुपर हीरोज की लिस्ट अमेरिकन स्टेट से कहीं दूर तक जाती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है नंबर 1 अल्ट्रामैन। अगर यूएस के पास हीमैन और सुपरमैन है तो जापान के लोगों की सुरक्षा करने के लिए उनके पास है ये पावर रेंजर्स जैसा दिखने वाला अल्ट्रामैन, जिसने तब जन्म लिया जब अमेरिका में सुपर हीरोज का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, और उनकी देखा देखी जापान के स्पेशल इफेक्ट्स विजर्ड ईजी सुबुराया के दिमाग में अल्ट्रामैन का लाजवाब आइडिया आया, जिसने 1966 में जैसे ही जापान की कॉमिक बुक्स के पन्नों में एंट्री मारी, वैसे ही उसने अपनी हीरोगिरी से जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली, क्योंकि ये दूर देश लैंड ऑफ लाइट से आया एलियन तरह तरह के काइजू यानी रक्षकों को अपने जूडो से इंस्पायर्ड लड़ने की टेक्निक से खत्म करता था, जिसके चलते केवल जापान की पब्लिक में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अल्ट्रामैन का फैंडम कुछ इस कदर फैल गया था कि उसके बस मर्चेंडाइज की बिक्री से 1966 से 1987 के बीच कंपनी ने पूरे 56,000 करोड़ कमाए थे। यही नहीं, जहां बाकी की दुनिया सुपरमैन और बैटमैन के स्टाइल पर लट्टू हो रही थी, वहीं एशिया की पब्लिक को भी अपना खुद का सुपर हीरो अल्ट्रामैन के अंदर नजर आने लगा था। तभी तो 1980s में अल्ट्रामैन की फैन फॉलोइंग बढ़ बढ़ के इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो सिर्फ जापान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का थर्ड टॉप सेलिंग लाइसेंस कैरेक्टर बन गया था, जिसके चलते 1967 से लेकर आज तक अल्ट्रामैन के कुल 37 जितनी मूवीज और टीवी शोज भी बनाए गए हैं, और आज बरसों बाद भी अल्ट्रामैन को ठीक उसी तरह प्यार दिया जाता है जिस तरह पहले दिन दिया गया था। नंबर 2 हुआ यिंग ज़ियोंग, जिसके नाम का डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो चाइनीज हीरो, तो क्या उसको कोई और इंट्रोडक्शन की जरूरत है? मिलिए हुआ यिंग ज़ियोंग से, जिन्हें बाकी की दुनिया से मिलने का मौका 1980 में चाइनीज हीरो टेल्स ऑफ द ब्लड सोर्ड इस बुक यानी मार्शल हीरो कॉमिक्स से मिला था, जिसका पूरा प्लॉट चाइना और अमेरिका की सड़कों पर मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए दर्शाया गया है। बेसिकली स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे हीरो के बचपन में गुंडे लोग उसकी फैमिली को भगवान के पास भेजकर हुआ के खानदान विरासत ब्लड सोर्ड को चुरा लेते हैं, और फिर बरसों बाद अपने स्किल्स पर काम करने के बाद हुआ इन लोगों से बदला लेने के बाद अमेरिका की सड़कों पर पहुंच जाता है, जहां अपने एडवेंचर में वो अलग अलग लोगों से मिलते मिलते अपनी स्वॉर्डमैनशिप के स्किल्स शार्प करता है। और जैसे हुआ को अपने स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिला था, ठीक ऐसे ही हुआ की वजह से उसके क्रिएटर मा विंग शिंग को भी काफी फायदा हुआ, जिसमें हुआ की वजह से रातों रात मा विंग शिंग का करियर जीरो से टॉप पर पहुंच गया, और इन कॉमिक्स ने जैसे ही बुक स्टोर्स के शेल्फ्स पर एंट्री मारी वैसे ही कुछ 45,000 कॉपीज बिक गईं, जो समय के साथ बढ़ती पॉपुलरिटी के चलते 2,00,000 कॉपीज तक पहुंच गई थी। यही नहीं बल्कि मा के सक्सेसफुल कॉमिक ने चाइनीज मैन हुआ यानी चाइनीज कॉमिक बुक के स्टाइल को एक नई दिशा देते हुए पूरा का पूरा बदल कर ही रख दिया था, और आज हम चाइनीज कॉमिक बुक्स में जिस स्टाइल को देखते हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय चाइनीज हीरो हुआ यिंग ज़ियोंग और मा विंग शिंग को जाता है। नंबर 3 निर्वाना ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स। अगर वंडर वुमन के पहले किसी फीमेल सुपर हीरो ने पिक्चर में एंट्री मारी थी तो वो होगी निर्वाना, जिसको बनाने का इंस्पिरेशन कैनेडियन पेंटर्स के ग्रुप ऑफ 7 को अपने नॉर्दर्न कनाडा की ट्रिप के बाद मिला था, जिन्होंने कनाडा को अपना पहला नेशनल सुपर हीरो सन 1941 में ट्रायंफ एडवेंचर कॉमिक्स 1 में निर्वाना ऑफ द नॉर्दर्न लाइट के जरिए दिया था, जिसने वैसे तो वंडर वुमन से बस कुछ महीनों पहले ही डेब्यू किया था, पर प्रिंसेस डायना की तरह निर्वाना भी एक दूर देश आयरलैंड की डेमी गॉडेस होती है, जिसके पास रॉकेट की स्पीड से उड़ान भरने की ताकत से लेकर शेप शिफ्ट करना, मिस्टर इंडिया की तरह गायब होना, और तो और
चुटकियों में स्टील पिघलाने की ताकत थी। जिन शक्तियों की बदौलत नेवलाना ने वर्ल्ड वॉर टू के नाजीज से लेकर एलियंस और दूसरे दुश्मनों को काफी अच्छा मजा चखाया था और इन मजेदार किस्सों की कहानियां जनता तक पूरे 3 वॉल्यूम में पहुंचाई गई थी। लेकिन अनलाइक वंडर वुमन, जिन्हें आज तक कॉमिक्स और मूवीज में देखा जाता है, नेवलाना को उस लेवल का फेम नहीं मिल पाया, जिसके चलते इन्होंने अपने पावर्स आखिर बार 1947 के सुपर डुपर कॉमिक्स 3 में दिखाए थे। पर चाहे नेवलाना का इम्पैक्ट कॉमिक्स की दुनिया में उसके अमेरिकन काउंटर पार्ट जैसा ना रहा हो, लेकिन इसके बावजूद कैनेडियंस के लिए नेवलाना आज भी एक कल्चरल रीसेट बनी है, जिसने अमेरिकन डोमिनेंट कॉमिक बुक्स के एरा में कनाडा को अपनी जगह बनाने का मौका दिया था। नंबर 4, बुर्का एवेंजर। ऑल गर्ल्स स्कूल में सुबह जिन किताबों से बच्चों को पाठ पढ़ाती हैं, उसी का इस्तेमाल करके रात के अंधेरे में दुश्मनों का बुरा हाल करती हैं। जिस चालबाज सुपर हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों की देन है। जी हाँ, पाकिस्तान को अपनी पहली सबसे पहली फीमेल सुपर हीरो बुर्का एवेंजर के रूप में मिली, जो वैसे तो अपने दिन में जिया नाम की एक स्कूल टीचर है, पर रात के अंधेरे में बुर्के के नकाब में अपना इनोसेंट और फुल टू अपोजिट रूप छुपाकर दुश्मनों का सामना करती है। जहाँ बाकी सुपर हीरोज के पास उड़ने या सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जैसी शक्तियाँ होती हैं, वहीं बुर्का एवेंजर की शक्तियों में बॉक्स और पेन से दुश्मनों के छक्के छुड़ाना लिखा है, जिसे वो अक्सर तख्त कबड्डी भी बुलाती है। और जिया उर्फ बुर्का एवेंजर के इस बेमिसाल कॉन्सेप्ट के पीछे यूनिकॉर्न ब्लैक कंपनी के फाउंडर हारून का हाथ है, जिन्होंने 2013 में इसे पहली बार ऑडियंस के सामने टीवी सीरीज के रूप में रखा था और पाकिस्तान में घटती लिटरेसी रेट को देखकर उन्होंने बुर्का एवेंजर को पब्लिक तक पहुंचाया था, जो अपनी यूनिक फाइटिंग स्किल से लोगों तक लड़कियों की एजुकेशन, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन जैसे गंभीर इश्यूज पर रोशनी डालती थी। पर लोगों को ये नेक काम भी खट्टा लगने लगा, जहां कई लोगों को जिया के बुर्के से प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनके हिसाब से बुर्के से औरतों को दबाया जाता है। लेकिन मेकर्स अपने डिसीजन पर डटे रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि 2013 में बुर्का एवेंजर को टाइम मैगजीन में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिक्शनल कैरेक्टर का ओहदा तो मिला ही, साथ ही बुर्का एवेंजर की बहादुरी को इंडिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में भी जाने का मौका मिला। नंबर 5, केजी। हम जब भी अफ्रीका और सुपर हीरो का सोचते हैं तो दिमाग में ब्लैक पैंथर ही आता है, लेकिन रियलिटी में साउथ अफ्रीका के सबसे पहले सुपर हीरो कॉमिक का नाम तो विजी है, जिसको दुनिया में लाने का श्रेय ग्राफिक डिजाइनर लोइसो माइस को जाता है, जो अमेरिकन के द्वारा बनाए गए अफ्रीकन सुपर हीरोज को देख देख कर इतने बोर हो गए थे कि उन्होंने केजी को कुछ ऐसे बनाया कि साउथ अफ्रीकन असल में उसे रिलेट कर पाए, क्योंकि केजी, जिसके नाम का जोसा और जुलू भाषा में मतलब स्टार होता है, वो भी बिल्कुल एक राइजिंग स्टार की तरह लोगों के दिलों में बस गया। बेसिकली केजी एक नॉर्मल सा 19 इयर्स का टीनेजर होता है, जिसे सुपर पावर्स और बाकी के संसार से कोई वास्ता नहीं होता, पर अचानक एक दिन जब उसे अपनी सुपर पावर्स का अंदाजा होता है, तब वो पहले तो लोगों से वाहवाही लेने में बिजी रहता है, लेकिन जल्द ही उसे इस रियलाइजेशन का फटका पड़ता है कि सही में विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसी सोच को लेकर वो अपने शहर का भला करने की जंग में अपनी तरह दूसरे सुपर हीरोज के साथ जुड़ जाता है। जिस जर्नी को दर्शाने के लिए लोइसो काइज ने केजी की पूरे 3 वॉल्यूम्स बनाए हैं, साथ ही हाल ही में केजी की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते उस पर एक एनिमेटेड सीरीज भी बनाई गई थी। नंबर 6, शक्तिमान। ये गाना किस भारती को नहीं पता होगा? अरे इसी गाने को सुन सुन कर तो 90s के बच्चे बड़े हो गए। कनू का दोस्त और मुजरिमों का दुश्मन शक्तिमान इंडिया के पहले ट्रू सुपर हीरो थे, जिनकी अनगिनत शक्तियों के सामने स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी बच्चों का खेल लगते थे, क्योंकि शक्तिमान को अपनी शक्तियां किसी मकड़ी काटने से या भगवान की देन से नहीं बल्कि मेडिटेशन और नेचर के 5 एलिमेंट से प्राप्त हुई थी, जिसमें शक्तिमान भी किसी ऑर्डिनरी सुपर हीरो की तरह डबल रोल वाली जिंदगी जीते थे। जहाँ सुबह आज की आवाज न्यूज़पेपर के लिए फोटोग्राफी करने वाले पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री जी को जैसे ही इनजस्टिस की भनक तक लगती थी, ठीक ऐसे गोल गोल घूमकर वो शक्तिमान बन जाते थे और अपनी आउट ऑफ द वर्ल्ड फाइटिंग स्किल से अपने जानी दुश्मन तमराज किल्विश को हर बार हरा देते थे। जिस नेवर सीन कॉन्सेप्ट को भारतीय जनता तक लाने का श्रेय किसी और को नहीं बल्कि खुद शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना को ही जाता है, जिन्होंने विदेशी सुपर हीरोज को टक्कर देने के लिए मिर्च मसाला डाल के अपना वेरी ओन देसी सुपर हीरो बनाया था। और क्या खूब बनाया था भाई, क्योंकि 1997 से 2005 तक चलने वाला ये शो, जिसके कुल 520 एपिसोड्स बने थे, उसको जनता आज भी उतना ही प्यार देती है। जिस प्यार को बरकरार रखने के लिए हाल ही में ये न्यूज मिली थी कि जल्दी शक्तिमान को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलने वाला है, यानी जल्दी इंडिया के फर्स्ट सुपर हीरो का कमबैक होने जा रहा है। पर 90s में तो शक्तिमान ने लोगों के दिलों में अच्छी खासी जगह बनाई थी,
किंतु अब जो कि क्रिश से लेकर फ्लाइंग जट जैसे नए नए सुपर हीरोज ने मार्केट में एंट्री मार ली है, तो क्या शक्तिमान का एवरग्रीन चार्म काम करेगा या बहती हवा की तरह ये भी आएंगे और चले जाएंगे। साथ ही आज की लिस्ट में बताए गए अलग अलग सुपर हीरोज की अगर फाइट हो गई तो उनमें विजेता कौन होगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर बता देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद।